Hello everyone, how are you? Hope you are fine. So, I am here with you with the new chapter of physics, hopefully, the last chapter for the physics section. And the chapter number is 12, and the name is sound. So, in today's video, we will cover mainly three topics that is sound, source of sound, and propagation of sound. Okay, so let's begin today's video. With a very good chapter that is sound. So sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. ठीक है तो साउंड क्या है एक एनर्जी एक पार्टिकल एनर्जी भी बोल सकते हो एक वेव एनर्जी भी आप बोल सकते हो ठीक है जो कोई भी एक मीडियम से travel होते हुए हमारे कानों में आती है तो जिससे हमारे ईयर है वो साउंड को सेंस कर सकते हैं जैसे आपने प्रीवियस क्लास में ईयर का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ईयर में ईयर ड्रम्स होते हैं जो ये वाइब्रेशंस को पहुंचाते हैं हमारे इनर ईयर में इनर ईयर में ऑडिटरी नर्व होती है और जो ऑडिटरी नर्व है वो ऑडिटरी नर्व है वो ब्रेन से कनेक्ट होती है जिसके कारण साउंड अच्छे से आपको सुनाई देता है ठीक है तो यही सब है कहानी तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट यूर टू रिमेंबर दैट गिव्स अ सेंसेशन टू अवर सेंस ऑरगैन दैट इज ईयर ओके सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साउंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोर्स अबाउट सोर्स ऑफ साउंड साउंड जनरेट कहाँ से होता है सो इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग मोशन दैट इज नथिंग बट टू एंड फ्रॉम मोशन जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था आगे और पीछे आगे और पीछे मतलब कोई भी एक चीज अगर वाइब्रेट करती है वाइब्रेट होने के लिए उसको टू तो एंड फ्रो मोशन में आने की जरूरत होती है सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन टू एंड फ्रो मोशन वी कैन से दैट द साउंड विल बी प्रोड्यूस सो विच ऑब्जेक्ट्स इज डिस्कस्ड ओवर हियर सो यू कैन सी द ट्यूनिंग फोर्क ओके द पेंडुलम विच ओसीट्स टू एंड फ्रो अगेन यू कैन सी द विंड इंस्ट्रूमेंट्स ओके एंड एज वेल एज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें से साउंड प्रोड्यूस हो सकते हैं विंड एंड स्ट्रिंग जैसे कि गिटार ठीक है उसको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट तो मैंने यहाँ पे दिखाया है सो दिस ऑल आर द सोर्स ऑफ साउंड एंड मैनी मोर इफ यू आर नोइंगन सेट स्पीकर इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ साउंड सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स दैट यू कैन गिव फोर्थ सिंग ओके ना लेट्स मूव फर्दर सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड About the source of sound and motion required for sound, we will do an activity in this video, a virtual activity. So, as you can see, that uh, a wall is shown in the picture, and against that wall, one thread is tied with a metal ball, as you can see over here okay so first of all you have to take this arrangement and secondly you have to take the tuning fork vibrating and tuning fork. So tuning fork as you already know it's a metal right you have to vibrate that tuning fork initially okay so let's try to understand it. take a tuning fork and set it vibrating by striking it prong on a rubber band Ab usko strike keize. ठीक है स्ट्राइक कीजिए कोई भी एक सरफेस में तो वो वाइब्रेट होता जाएगा ऑन ब्रिंगिंग इट नियर टू अर ईयर वी कैन हियर अ साउंड वही ट्यूनिंग फोर्क का आपको साउंड सुनाई देगा ठीक है जैसे ही आप उसको वाइब्रेट करोगे और कान से नजदीक लेके आओगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है जिसके कारण आपको सेंस होगा कि हाँ कुछ साउंड हो रहा है इफ़ यू टच वन ऑफ द प्रॉन्ग्स वी कैन फील द वाइब्रेशन इन आवर फिंगर्स अगर आपने हैंड्स को टच किया तो आप भी वाइब्रेशन को फील कर सकोगे इफ यूट टच अ सस्पेंडेड प्लास्टिक बॉल जेंटली विथ अ प्रॉन्ग ऑफ अटिंग ट्यूनिंग फॉर्क वी ऑब्जर्व देट द बॉल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग मेटल का बॉल लीजिए या प्लास्टिक का बॉल लीजिए ठीक है जैसे यहाँ पे दिखाया है फिक्स एक वॉल में लगाया हुआ होगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा आप देख पाओगे कि यह बॉल भी वाइब्रेट होने लगेगा मतलब कि क्या हुआ कि जो भी वाइब्रेटिंग मोशन ट्यूनिंग फॉर्क में था वो ट्रांसफर हो गया इसमें हो गया ट्रांसफर बॉल जो एक फिक्स सपोर्ट में था उसमें वाइब्रेटिंग मोशन ट्रांसफर हो गया तो होपफुली आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी राइट सो वॉट यू सीन दैट इनिशियली वी हैव वाइब्रेटेड द फॉर्क बाय स्ट्राइकिंग इट देन दिस वाइब्रेशन इज ट्रांसफर्ड टू द रेस्ट पोजिशन बॉल जो बॉल रेस्ट पोजिशन में था उसमें वाइब्रेशन ट्रांसफर हुआ जिसके कारण जिसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट्स एट लास्ट वो बॉल जो था वो भी टू एंड फ्रो मोशन में आ गया ठीक है आगे जाते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड अब स्टूडेंट्स ये साउंड जनरेट हुआ इसको जनरेट करने वाले कई सारे सोर्सेस थे पर वो हमारे कानों तक आया तो बीच में क्या था ओके हाउ साउंड ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर मीडियम और साउंड रिक्वायर्स एनी मीडियम और नॉट वी विल गेट आइडिया इन दिस ओके लेट्स डिस्कस इट सो साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल पक्की बात है साउंड को एक मीडियम चाहिए तो ही साउंड ट्रेवल कर सकता है वरना वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा ठीक है सो साउंड सोड्स मीडियम टू ट्रैवल द मैटर ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम साउंड जहाँ से पास होगा ठीक है उसको हम बोलते हैं मीडियम इट कैन भी सॉलिड लिक्विड और गैस कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है पर मीडियम चाहिए वो पक्की बात So, hey. sound needs a medium to travel. Now, it can be a solid, as you can see. A boy is speaking something or he is vibrating at one end. This sound is traveled and it reaches to the second boy's ear. You can see that one boy is trying to hear the sound when he has immersed the ringing bell inside the water. And thirdly, you can see that from speaker, a sound is generated and it is traveled in the form of compression and rarefaction. टू अवर ईयर्स कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या है कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर रीजन और रेयर फ्रैक्शन मतलब लो प्रेशर रीजन ठीक है इसमें पार्टिकल बहुत ही नजदीक होंगे और इसमें पार्टिकल है बहुत दूर दूर होंगे ठीक है तो इसमें पार्टिकल एनर्जी है और यह है वेव एनर्जी जो मैंने आपको इनिशियली बोल दिया था ठीक है अब हम आगे जाएंगे सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट साउंड रियली नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल और साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो Okay, so here as you can see it's a diagram taken from your NCRT textbook. Uh, glass jar is taken. Okay, and uh, here is a metal ball which is an again connected with a metal, and this metal ball and uh, metal is connected with a switch and battery from outside portion. So this arrangement is on the upper side and in the bottom part a pump is inserted that is vacuum pump okay students so here we will see two cases first we will see that when vacuum pump when vacuum pump is on in on condition and battery is also on then what will you observe students try to understand see

क्यों क्योंकि वैक्यूम पे हम क्या कर रहा है एयर को सक कर रहा है जैसे ही एयर को सक करेगा तो गैसियस मीडियम है वो कम होता जाएगा गैसियस मीडियम कम हुआ तो क्या होगा स्टूडेंट्स धीरे धीरे साउंड को प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम ही नहीं मिलेगा जिसके कारण उसका एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता गया तो ये है वो कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट्स बैटरी तो ऑन है पर वैक्यूम पंप भी ऑन है V एंड B स्टैंड्स फॉर वैक्यूम पंप एंड बैटरी रिस्पेक्टिवली तो इस ये एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आया कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है ठीक है थोड़ी देर के बाद जब तक एयर बचती है तब तक ही साउंड ट्रैवल करेगा और धीरे धीरे आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा उसका मतलब साउंड पहले लाउड था तो एम्पलीट्यूड कम होगा इसलिए यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो फेंट हो जाएगा ठीक है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है इफ एयर इज रिमूव कम्प्लीटली वी डू नॉट हियर द साउंड ऑफ द बेल व्हाई द रीजन इज सिंपल द रीजन इज सिंपल दैट इज नाउ वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द ग्लास जार ओके आई होप आप सबको ये पूरा समझ में आ गया होगा कंसेप्ट ओके okay, तो जब वैक्यूम पंप ऑफ था तब उसका जैसे ही हमने ऑफ किया तो ये कंडीशन होने लगी एम्पलीट्यूड होता जाएगा यही ग्राफ मैंने यहां पे दिखाया है ठीक है तो अगर हम एक कंबाइंड ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स ठीक है कि एयर का ये ब्लैक इंडिकेशन है जो मैंने यह दिखाया है रेड कलर से टो अभी के लिए नया कलर ले लेते हैं कि एयर अगर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है तो एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या इंपेक्ट आएगा सो ब्लू इज रिप्रेजेंटिंग एम्प्लीटूड ओवर हियर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड सो यू कैन सी दैट देर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन एम्प्लीट्यूड ओके डिक्रीज कंटिन्यूज होता जाएगा क्लियर तो यहाँ पे आप सबको समझ में आ गया होगा कि साउंड की डेफिनेशन क्या है प्रोपोगेट कैसे करता है तीसरा साउंड को मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है तो जरूर से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो